ये कहता है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होती है कोई बॉडी विथ कांस्टेंट एक्सलेशन, अगर एक्सलेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर ए की वैल्यू कांस्टेंट है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई फिफ्थ सेकेंड टू दैट इन 5 सेकेंड। देखो अगर एक बॉडी यहाँ से, ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है, पार्टिकल है टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट, तो ये आगे जाता है यहाँ से, ठीक है, तो ये कहते हैं अगर यहाँ से जाने में 5 सेकेंड लग गया, ये यहाँ से जाने में 5 सेकेंड लगा, तो ये कहते हैं अरे, और ये यहाँ से आने में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ से 4 सेकेंड, और यहाँ से ये 5 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो फिफ्थ वाला सेकेंड है, देखो फिफ्थ सेकेंड अलग है, ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, 5वां सेकेंड, ठीक है ना, ये 4था सेकेंड ये था, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन 5वां सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, 1 से लेके 0 से लेके 5 सेकेंड तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड S1 बोलता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड को S2 बोलता हूँ, जो को यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो अगर मैं S1 निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फार्मूला क्या है, u प्लस a/2 2n-1। आई होप कि ये फार्मूला आप पढ़े होगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड जो है वो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलेशन ए है, और यहाँ से 2 5 है, एन की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा a/2 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 9, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ए आ जाएगा S1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन S2, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ut+ ½ at² ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू ut+ ½ at² लगा देता हूँ, तो ये जो S2 की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ½, एक्सलेशन ए टाइम टी मतलब 5 का स्क्वायर मतलब ये 25, तो a/2 और यहाँ से 25, दैट इज द S2, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 S2 तुम अगर देखोगे तो अब डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड मतलब आ जाएगा S1/S2 की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज a/2 और यहाँ से ऊपर बचा 9 और यहाँ से a/2 यहाँ से और नीचे बचा 25, तो a/2 का तुमने मतलब 9/25 इसका सोल्यूशन है, 9/25 मतलब ए ऑप्शन अपना सही बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।